अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मंदी चिकन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। चिकन मंदी रेसिपी, मंदी राइस है, ये अरबिक राइस है, इसे हम लोग चिकन के साथ बनाते हैं या मटन के साथ भी बनाते हैं, मगर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चिकन के साथ किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैरिनेट कर लेते हैं चिकन, उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते दिखाते हैं। पहले चिकन ले लेते हैं, स्किन के साथ हमारा चिकन रहेगा, ठीक है, स्किन निकालना नहीं है। अब इसे फॉक से इसे क्लीन कर लेते हैं, इसे फॉक से स्केच कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो है स्पाइसेस हमारा अच्छे से ब्लड निकल जाए इसके अंदर से। अब एक सेफ्रॉन का बॉल ले लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं लेमन जूस 2 पीस। अब ऐड करते हैं 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून कुमिन पाउडर जीरा का पाउडर, 1/2 स्पून धनिया का पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन लिया था उस चिकन को ऊपर इसे मैरिनेट कर लेते हैं, अच्छे से इसे लगा लेते हैं। मैरिनेट करने के बाद इसे सेट करके रख देते हैं। 1 kg राइस ले लेते हैं, उसे अच्छे से हम लोग वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद पानी ऐड करके उसमें एक साइड में रख लेते हैं। अब हम एक पॉट ले लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं 1 स्पून घी। घी ऐड करने के बाद उसे हीट कर लेते हैं। हीट हो जाने के बाद उसमें ऐड कर लेते हैं 2 पीस ओनियन चॉप। ऐड करने के बाद उसमें ऐड कर लेते हैं 2 पीस गार्लिक का चॉप। इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़े से गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ते हमारे, और सूखे लेमन, ड्राई लेमन हमारा है। इन सबको ऐड करके सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे सौते करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, इसे ब्राउन नहीं करना, 1 मिनट। अब इसमें हमें ऐड कर लेना है वाटर 2 लीटर। पहले 1 लीटर ऐड करेंगे, बाद में राइस ऐड करेंगे। राइस एंड सॉल्ट ऐड करना है इसमें, ठीक है, दूसरा कुछ ऐड नहीं करना है मसाला। अब फायर को हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। जो पानी हमने बाकी था हमारा 1 लीटर, उसे भी ऐड कर लिए, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ठीक है, 2 लीटर ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा वरना गल जाएगा आपका राइस। अब इसके ऊपर स्टीमर जो हमारा है उसे ऐड कर लेते हैं, जो हमें चिकन स्टीम करना है इसके ऊपर। अब इसी के ऊपर हमें चिकन ऐड कर लेना है, मैरिनेट चिकन किया हुआ जो चिकन था उसे ऐड कर लेते हैं, अच्छे से इसे बढ़ा लेते हैं। जो हमारे मसाले बचे हुए हैं वो मसाले को हम इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसे हमें टाइट कवर कर लेना है सिलोफाइल से, या फिर ढकने आप यूज़ कर सकते हैं, कवर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिलोफाइल यूज़ कर रहा हूँ। अब इसे ओवन में हम लोग कुक करेंगे, 160 हमारा टेम्परेचर रहेगा, 30 मिनट्स के लिए पहले हम इसे कुक कर लेते हैं, स्टीम कर लेते हैं। उसी टाइम हम चटनी बना लेते हैं मंदी के लिए, उसके लिए ऐड कर एक ये ले लेते हैं, जार लेते हैं मिक्सर का, उसमें ऐड कर लेते हैं 3 पीस टमाटो, फ्रेश टमाटो हमारा है उसे 3 पीस ऐड कर लेना है, 5 पीस हमारा लहसुन रहेगी उसे भी ऐड कर लेते हैं, 5 पीस हमारा ग्रीन चिल्ली रहेगी उसे ऐड कर लेते हैं, और थोड़े से हमारे फ्रेश कोरिएंडर रहेगा, धनिया का पत्ता उसे हमें ऐड कर लेना है। अब इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, लेमन इसमें ऐड कर लेते हैं, सॉरी पहले लेमन ऐड करते हैं, और इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे 1/2 स्पून, और साथ ही साथ 1/2 स्पून हमारा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें इसे पेस्ट करना है, ठीक। अब इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, देखिए ज़्यादा हमें फाइन पेस्ट नहीं करना है, दरदरा ही पेस्ट रखना है इसे, ठीक है ना, और वाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए हमारा पेस्ट हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं, दरदरा ये हमारा है। इस तरीके से मंदी का चटनी हमारा रेडी हो चुका है। अब 30 मिनट हो गया है, अब हमने जो चिकन दिया था राइस को, मंदी राइस को, उसे निकाल लेते हैं, इसका कवर ओपन कर लेते हैं। देखिए चिकन स्टीम हो गया होगा, ये देखिए चिकन जो है हमारा कुक हो गया है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे, कलर आएगा ताकि। उससे पहले हमने सेफ्रॉन वाटर ऐड कर लेना है राइस में ताकि इसका कलर अच्छा हो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया था, सेफ्रॉन और थोड़ा सा फूड कलर है इसमें मिक्स किया हुआ। अब इसे हमें ओपन कर कर ऐड कर लेना है, 160 ही टेम्परेचर रहेगा हमारा, 30 मिनट्स के लिए इसे रोस्ट कर लेते हैं, चिकन को अच्छा से रोस्ट हो जाए ताकि, और साथ में हमारा राइस भी कुक हो जाए।
अब एक पैन ले लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं 1 स्पून घी। अब जो आपका नट्स यूज़ करे, दिल करे आपका खाने के लिए, वो नट्स आप इसमें यूज़ करके इसे रोस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ काजू, बादाम और किशमिश, कैशू नट, एलमोंड एंड राइजिंग, ये तीनों को हमने रोस्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी हमारा 30 मिनट्स हो गया है, अभी मैं इसे निकाल के आपको दिखा देता हूँ कैसा कलर आया है। ये देखिए हमारा चिकन का बहुत अच्छा कलर हो गया। अभी इसे हम स्मोक करेंगे, ठीक है। इसमें के लिए हम एक बॉल ऐड कर लेते हैं, उसमें चारकोल ऐड करते हैं, थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद देखिए ये स्मोक इस तरह का, इसे फट से कवर कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए इसे दम में छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स। अभी 5 मिनट्स के बाद इसे हम ओपन कर लेते हैं। ज़्यादा कीजिएगा तो आपका पूरा स्मोक ज़्यादा हार्ड आएगा, आप खा नहीं पाइएगा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, जिस प्लेट में आपको सर्व करना है उस प्लेट में। मैं एक सीनिया में यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ बड़े साइज में। पहले राइस को निकाल लेते हैं अच्छे से। देखिए हमारा एक भी राइस टूटा नहीं है, कितना अच्छा हो गया। अब चिकन को उसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। अब जो हमने फ्राई करके रखा था किशमिश का, जो उसे ऐड कर लेते हैं। आप जो चाहे जो भी ऐड कर सकते हैं या नहीं भी ऐड कर सकते हैं। जो हमने चटनी बनाई थी उसे भी साइड में रख लेते हैं। यह हमारा मंदी राइस रेडी हो गया है खाने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।